हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे जादूगर्स। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज शुरुआत करते हैं, पहला लेक्चर है और आपको मजा आएगा। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। हाँ, डी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही मतलब शुरू होता है तो आपको लगने लगता है कि यार क्या है ना, ये एक्सेप्शन से भरा हुआ पूरा चैप्टर है। तो हाँ, एक्सेप्शन ज़रूर है चैप्टर में, बट एक्सेप्शंस को क्या है कम से कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेप्शंस हैं वो बात सही है, ठीक है। तो क्या नाम है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या बच्चों? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हेडिंग डाल देते डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भैया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं डी ब्लॉक से। तो मेनली हम क्या पढ़ेंगे आज? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे कि भैया क्या, जिन भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है, पेनल्टीमेट डी सबसेल में, उन्हें क्या बोलते हैं? हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या लिखे बच्चों? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट मतलब एन माइनस वन डी सबसेल। क्या बेटा? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट एन माइनस वन डी सबसेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए भाई। एन माइनस वन डी का मतलब कैसे? जैसे पहला एलिमेंट ले लीजिए स्कैंडियम। क्या बच्चों? एक एलिमेंट ले लीजिए स्कैंडियम, इसका 21 एटॉमिक नंबर होता है। इसका क्या होता है? 4s2 3d1। तो यहां देख रहे हैं ना आप, फोर सेल आ गई तो फोर में से एक माइनस करो तो 3d, मतलब n ये फोर है, फोर माइनस वन तो 3d। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 3d में गया है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? पेनल्टीमेट। एक पहली जो चल रहा है बेटा उससे हम क्या है, एक पहली सेल की बात कर रहे हैं। ये बात हो गई क्या बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एन माइनस वन डी एक से लेके 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एन एस वन से टू, एक से दो इलेक्ट्रॉन, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। किस में? एन एस में। बात समझ गई? जो लास्ट सेल है वो एन एस, ठीक है। ये वाली बात हुई। दो बातें हो गई कि डी कैसे कहते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप। क्या बेटा? ग्रुप 3 से लेके 12 तक। क्या बच्चों? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अब डी ब्लॉक पढ़ते पढ़ते एक नई टर्म आ जाती है यहां, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बात आ जाती है, अभी तो डी ब्लॉक की बात कर रहे थे, अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पर डी ब्लॉक के वो स्पेशल एलिमेंट जिनमें डी इनकंप्लीट होती है, मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 10 ना हो के 9 हो, 8 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, जो भी हो, समझ रहे ना बेटा, पर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो डी क्या होती है? इनकंप्लीट। तो क्या बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों? ये डी ब्लॉक
एलिमेंट्स इन विच डी सब सेल इज इन विच डी सब सेल इज इनकम्प्लीट. क्या बच्चों? इनकम्प्लीटली फिल्ड. हा, इनकम्प्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट. इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट का मतलब है जैसे कोई भी एलिमेंट है वो जिस तरीके से है वो ग्राउंड स्टेट में होगा. जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब उसमें से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी अगर उसमें डी इनकम्प्लीट हो गई तो क्या है भैया, वो क्या है बच्चों, डी ब्लॉक सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है. क्या बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है. जैसे आपको बताएं, एक चीज बताएं, कॉपर सॉरी जिंक या फिर कैडमियम और मर्करी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्यों? क्योंकि इनकी डी हमेशा कंप्लीट रहेगी, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें या फिर ग्राउंड स्टेट में. क्या है? जिंक एंड कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी, कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या बच्चों? इन ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में. और मत लिखो, एंड लिख दो, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. तो किसी में भी क्या है, जिंक की बात करें, जिंक की वैलेंसी क्या होती है? दो होती है. जिंक की बात करें, अगर जिंक की बात कर लें, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 3d10 आ जाएगा, सही है. अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दो, अगर एक जिंक की बात करें, जिंक 30 है और जिंक का आपने देखा होगा जिंक 2+ शो करता है. अब 2+ शो करेगा तो क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट से जो निकलेंगे तो 4s2 4s0 3d10 अब भी क्या है, d10 है. तो D क्या है? कंप्लीटली फिल्ड D. तो इनमें क्या है बच्चों? कंप्लीटली फिल्ड D है. इसलिए क्या है बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा. ये बात समझ में आ गई. अब एक चीज और है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है बच्चों कि जो D होती है वो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीटली फिल्ड होती है, बट किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है बच्चों, वो कैसी हो जाती है? इनकम्प्लीटली फिल्ड. बाद में बात करते हैं. अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर कि भैया इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कह क्यों रहे हो? क्या इसलिए इनकी डील इनकम्प्लीट होती है? नहीं, ये अलग बात है. इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एस और पी के बीच में ट्रांजिशन कर रहे हैं, उनके बीच में सिचुएटेड है. क्या बच्चों? दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दीज आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. क्या बोलते हो? पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में सिचुएटेड है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. इतनी बात मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होगी. एक चीज और है बच्चों,
कि अगर आप देखेंगे सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, डीकम्प्लीट होती है बच्चों, ठीक है, कॉपर, ठीक है, एजी की बात करें तो इन दोनों में क्या होगा बेटा, बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड, डी होगी ग्राउंड स्टेट में, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी, नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसे मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है। चलिए मैं इतना इरेज कर लेता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो, वैसे तो आप अच्छे बच्चे हैं, नोट कर रहे होंगे साथ के साथ। सर कैसी बातें करते हैं हम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, हम नोट बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, बढ़िया बात है, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात, ज़्यादा ही बढ़िया बात है। तो भैया अगला एक क्वेश्चन है यहां पर, यहां पर क्या बच्चों, एलिमेंट्स विच आर ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं चलो कह सकते हो एलिमेंट्स विच आर, कह लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए कॉपर, एक काम करो पहला है स्कैंडियम, एक रहने दो, पहला है जिंक और बी है क्या बेटा, जिंक है कैडमियम है, ठीक है, सी मरकरी है और डी सिल्वर है, विच इज लिख लो, चलो एक ही है तो है, मैं सोच रहा था ग्रुप में लिख दूंगा। तो इसमें क्या है बच्चों, जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं, मरकरी नहीं है, अभी बताया था डी कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो सिल्वर का नाम आता है। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में होता क्या है बच्चों, सिल्वर में क्या होता है बच्चों, 5s1, ठीक है, और 4d10, सही है, ये अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 5s0 4d10 हो जाएगा, किसमें, अगर Ag एक पॉजिटिव है, Ag 2 पॉजिटिव भी शो करता है तब 5s0 और 4d9 होगा। अब इसमें क्या है, D क्या है, इनकम्प्लीट, तो डी क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर क्या है, डी इनकम्प्लीट है, समझ रहे हैं, कॉपर हुआ, ठीक है, कॉपर है, सिल्वर है, ये क्या है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, कॉपर सिल्वर आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स because they have incomplete d in oxidation state, कौन सी, +2 oxidation state की बात करें, +2 की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, डी किसे कहते हैं समझ में आ गई, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, जिनकी डी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट, उन्हें क्यों कहते हैं, एस और पी के ब्लॉक में होते हैं, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे,
आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन सी, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, किस तरीके से पढ़े जाएंगे ये एलिमेंट्स को, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो फिर आप इन्हें थोड़ा सा देख लीजिए नज़ारा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहले 3D सीरीज होती है, क्या 3D सीरीज, उसके बाद 4D सीरीज, और उसके बाद 5D सीरीज, और लास्ट में 6D सीरीज। बात समझ में आई, ये 3D सीरीज है, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन बोलते हैं, क्या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाद ये आ गई सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ये क्या हो गया बच्चों, फोर्थ ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब यहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, और सेकंड स्टार्ट होती है स्कूटर या ला एसी। ये स्कैंडियम से एट्रियम से लैंथेनम और एक्टिनियम, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 21, और ये यहां से स्टार्ट होकर कहां खत्म होती है जाके जिंक, और एटॉमिक नंबर 30, सही है। इसके बाद आप बात करेंगे ये एट्रियम, ये खत्म होती है यहां से चल के जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, और ये इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। आपको बताएं कि 21 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 21 से हो गया 31, 31 से 41 यानी 39, 2 माइनस करो, इसमें फिर 18 माइनस करो, ऐड करो बेटा, तो 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 39 यानी 57, और इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मान के चलिए दो ऐड करा तो 59 के बाद ठीक है 89, तो 89 हो गया बेटा, समझ गए, और ये 30 और यहाँ पर 80 ऐड करें तो 48 हो गया, 48 में 32 80। अब बेटे आपको एक बात बता दें कि आप एक बात याद रखिए यहाँ पर कि होता क्या है बच्चों, कि अगर एलिमेंट आपको इस तरीके से याद है ग्रुप वाइज, तो पहले और दूसरी सीरीज में आपको 18 ऐड करने हैं, फिर दूसरे में तीसरी जाना है तो यहाँ 18 ऐड करने हैं, फिर यहाँ 32। अभी बताता हूँ इधर क्या करा बेटा हमने, 18 ऐड करा है, यहाँ पर 32 ऐड करा, इसकी वजह है बेटा कि यहाँ पर आपके 14 एलिमेंट जो है 4F यहाँ ऐड हो गए, 5F 14 एलिमेंट F के ऐड हो गए, इसलिए क्या है इधर में पहले और दूसरे में 18 और फिर दूसरे और तीसरे में क्या 32, तो केवल स्कैंडियम वाली लाइन में ये काम करना है, बाकी सब में क्या है 18 32, क्योंकि वहाँ उसके बाद क्या है बच्चों F एलिमेंट इसमें आ जाते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो ये हो गई छोटी सी बात, और उसके बाद वैसे तो आपको ये एलिमेंट याद होंगे, अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद कराया, तो मैंने छोटी शॉर्ट भी बना दिया है याद करने के लिए, वैसे यहाँ पर आपको एक बार याद और कराता हूँ कि यहाँ पर क्या बेटा स्कूटी बेचकर मन फीका, कोई नहीं क्यूट जानी, ठीक है, तो यहां इसे कहते स्कूटर या ला एसी, टी जरा हाफ बो नवाब था करोड़ मोल बाला मन तक रे फिरोज फिरू ओज कौन रहेगा
इरेगुलर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आए, और जिंक कैडमियम मरकरी मुझे याद है, याद रहेगा आपको भी। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, ट्रिक लिख लीजिए इसकी, ट्रिक क्या है बच्चों, स्कूटी बेचकर मन उदास है किसी का, मन फीका है, मन फीका, उसके बाद क्या है, कोई नहीं, क्यूट जानी, कोई नहीं क्यूट जानी। तो क्या है बेटू, स्कूटी बेचकर मन फीका, कोई नहीं क्यूट जानी, कोई दोस्त कहता है उसका कोई नहीं क्यूट जानी, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों, वैसे तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्कूटर वाला ए सी टी जरा हाफ, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, वरना यही ज़्यादा अच्छा तरीका। वैसे इसका भी मैंने ट्रिक बना दिया है, तो इसे क्या बेटा, ये जरा नवाबी, क्या बच्चों, ये जरा नवाबी मोहब्बत तुझसे है, या क्या बच्चों, रुकावटें राह में पड़ेंगी तो आगे चल देंगे, क्या चल देंगे, समझे बेटा। बाकी स्कूटर याला एसी, ठीक है, टी जरा हाफ, वो नवाब था करोड़ मोल वाला, मन तकरे फिरोज खान, फिरोज कौन रहेगा, इरेगुलर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, या नई पंडिताइन पटना की, कौन आगे आए, जिंक कैडमियम मरकरी, ये तो याद है, ठीक है। तो भैया ये हो गया नाम याद करने का तरीका, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर नोट करने के बाद स्टार्ट करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज। अब किसकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने वाले हैं हम, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाले, नहीं कब्जा नहीं, पढ़ने वाले हैं साहब। तो ये हो गया बेटा, अब बात करने वाले हैं क्या बच्चों, यहां पर अब बात करने वाले प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है, आप यहां पर डी ब्लॉक ही लिख दीजिए, क्योंकि हम अभी फिलहाल डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या बेटा, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मतलब आप एटम की और आयन की रेडियाई या फिर साइज के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अब यहां पर साइज की बात करें, इससे यहां पर लिख लेते हैं हम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, और उसके बाद आता है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब एक चीज़ समझिए बेटा, वैसे तो आपको पता है कि इधर जाने पर साइज जो है घटता है और नीचे आने पर साइज बढ़ता है, बट यहाँ ट्रेंड कुछ टेढ़ा मेढ़ा होने वाला, उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम पढ़ने वाले हैं, सही है। तो पहले मैं सारे एलिमेंट लिख देता हूं, वैसे तो जनरली फर्स्ट जो है ट्रांजिशन सीरीज या फिर 3D सीरीज को पढ़ा जाता है, बट मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पूछ लेता कभी, ये आ गया बेटा, इसके बारे में स्कूटर
या ला एसी टी जरा हाफ वो नवाब था करोड़ मोल वाला मन तक रे फे फिरोज कौन रहेगा इरेगुलर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे कौन आगे आएगा जिंक एडमियम मरकरी। देखिए एक चीज समझिए बच्चों, यहां पर साइज जो देखा जाता है वो क्या होता है, वैसे जनरली साइज इधर को घटता है और नीचे को बढ़ता है, वो नॉर्मल बात है, बट हम यहां पर बात करने वाले हैं। अब ये देखेंगे बच्चों कि साइज में देखेंगे कि अगर जिंक स्कैंडियम से चलेंगे तो अगर मैग्नीज तक आएंगे तो क्या होगा साइज एटॉमिक साइज जो है बच्चों वो घटता है। और ये यहाँ आयरन से निकल तक साइज जो है बच्चों कांस्टेंट रहता है और कॉपर से जिंक तक जो है साइज बढ़ता है। बड़ी अजीब बात है, पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं होता, पीरियोडिक टेबल सीधा घटता ही घटता है। ये बात यहां पर ही लागू नहीं होती, ये क्या है बच्चों 3D सीरीज है, 3D सीरीज और ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज, ये यहां पर भी लागू होता है और ये यहां पर भी लागू होता है, बिल्कुल सेम, लगभग बिल्कुल सेम कहना ठीक नहीं है, लगभग तीनों पीरियड में क्या है सेम ट्रेंड होता है। ग्राफ में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तीनों में सेम ट्रेंड रहने वाला, यहां तक साइज क्या होता है घटता है, यहां कांस्टेंट रहता है, यहां बढ़ता है। अब एक बात बता दूं बेटा, ये इसने बड़ा परेशान किया है मुझे इस टॉपिक ने। दरअसल आपने देखेंगे बहुत से लोगों को आपको पढ़ाते हुए मिल जाएगा, वो क्या कहते हैं कि जेड इफेक्टिव के साथ क्या कहते हैं, वो कहते हैं इधर तक जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव यहां तक जेड इफेक्ट क्या है, मतलब बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट घट रहा है, और यहाँ तक जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो जाते हैं, और यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा होता है जेड इफेक्ट कम हो जाता है। बेटा अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप थोड़ा सा चलते हैं जेड इफेक्टिव की तरफ, बात कर लेते हैं। ये जेड इफेक्ट जो होता है वो होता क्या है, यहाँ पर होता है जेड इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा। अब खुद ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, बड़ा ध्यान से, फिर ये मत कहना सर ने गलत पढ़ा दिया, गलत वाला तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपको औरों से वेरिएशन मिल जाए तो आप कहने लगो सर आपने पता नहीं गलत पढ़ा दिया। अब देखिए पहले समझिए बातों को, ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों। क्या न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये क्या बच्चों स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या लगा है स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये, और ये क्या है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज, आप समझ लेना बेटा। अगर जेड इफेक्ट वास्तव में देखा जाए तो न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का रिजल्टेंट है, तो क्या जेड इफेक्ट के साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट की तुलना करना ठीक बात है यार, जहां ये अपने आप में तुलना करी हुई है, पहले से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दिया है, तब जेड इफेक्ट क्या है रिजल्टेंट निकल के आता है। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि यहां से यहां तक क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहां पर जेड इफेक्ट ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, चलिए मान लिया यहां कहते हैं जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर है, यहां पर क्या है अगर लोग कुछ कहते हैं यहां पर जेड जो है वो ज्यादा है कम है स्क्रीनिंग, इससे अगर जेड कम हो गया भाई साहब और ये बढ़ गया तो क्या होगा भाई साहब, जेड इफेक्ट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर ये ज्यादा हो गया ये कम है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जेड इफेक्ट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, नहीं है, समझ रहे, जेड इफेक्ट की वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर बिल्कुल ही चार्ज ना लगे, तो भैया इसे समझिए। और कुछ लोग कहते हैं इधर तक जेड इफेक्ट बढ़ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से कम, यहां पर जेड इफेक्ट कम और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर है, यानी जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर,
यार ये बात पल्ले मेरे तो नहीं आती, तुम्हारे आ जाए तो बता जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि जेड फैक्ट और स्क्रीनिंग फैक्ट बराबर है यहां पर। नहीं यार, जेड फैक्ट तो रिजल्टेंट है यार स्क्रीनिंग फैक्ट का, उससे इसकी तुलना क्या करनी, समझ रहे ना? तो फिर क्या है ये, मैं क्या समझता हूं वो समझिए आप, ध्यान से समझिए। देखिए बेटा यहां तक क्या है, यहां है क्या बच्चों, यहां 3D है भैया, है क्या, पहले 4SI 4S2, अब 3D खाली है, 3D में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें दो आ गए, ठीक है, फिर तीन आ गए, चार आ गए, पांच आ गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है D में, तो D का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, और D का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है तो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट ना लग पाता। अभी आप ये समझिए कि जेड इफेक्ट पहले से, अभी अभी मैं मान के चल रहा हूं एस में दो इलेक्ट्रॉन है, डी की अभी शुरुआत ना हुई है, तो पहले से कोई जेड इफेक्ट है क्या बेटा, पहले से कोई जेड इफेक्ट है लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या है, जैसे डी में एक इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज तो बढ़ा बट स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं, फिर दो आया तीन आया, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अब ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, ये ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है, यानी ये कम बढ़ रहा है, ये अगर ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है तो रिजल्टेंट क्या है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। पहला है उसमें कुछ और है, डुको मैं अब बढ़ते हुए चार्ज की बात करूं, पहला जो है चार्ज वो छोड़ दो, अब क्या है ये 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां, अरे पांच प्रोटॉन बढ़े, मैं पांच की बात कर रहा हूं, मैं पहले वाले को छोड़ दो, तो पांच जो है इंक्रीज्ड जेड जो है क्या बेटा, पहले वाले जेड की बात नहीं है। अब यहां जेड क्या लिखना पड़े, यहां पर क्या है, साइज घट रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहां बढ़ने की रीजन क्या है, क्या बेटा जो जेड है वो जेड कौन सा, जो इंक्रीज हुआ, पहले वाले जेड की बात बिल्कुल मत करना ना गड़बड़ हो जाएगा, जो इंक्रीज्ड जेड हुआ है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है इंक्रीज्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट से। पहले वाले की बात करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पहले करोगे तो फिर यहां पर इसका सिग्मा और ये बराबर कर दोगे तो जीरो हो जाएगा जेड इफेक्ट, ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, जेड इंक्रीज्ड मतलब, जेड इंक्रीज्ड का मतलब जो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन इसमें बढ़ा है, दो इसमें बढ़े, तीन चार पांच बढ़े हैं, तो जेड इंक्रीज्ड की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो चार्ज जो लग रहा है न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ा है वो ज्यादा बढ़ गया, और क्या है सिग्मा इंक्रीज्ड से, जो इंक्रीज्ड हुआ है सिग्मा उसकी बात कर रहे हैं, वो इंक्रीज्ड सिग्मा से जेड ज्यादा बढ़ गया, और यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर साइज कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, जो जेड इंक्रीज्ड है, जेड इंक्रीज्ड लगभग बराबर है सिग्मा इंक्रीज्ड की, INC से सिग्मा इंक्रीज्ड है, तो जो बड़ा हुआ चार्ज है वो बढ़े हुए सिग्मा के बराबर है, पहले वाले से नहीं, और पहले वाले से कर दिया तो जेड और सिग्मा बराबर हो गए, तो यार समझिए ना यार, तो क्या हो जाएगा, बराबर बराबर माइनस हो गया, जेड इफेक्ट जीरो हो जाएगा, तो बात गलत है, तो ये केवल उसकी बात हो रही जो बढ़ा हुआ चार्ज है, समझ रहे ना। और यहां पर क्या हुआ बाबू, कि जो जेड इफेक्टिव बढ़ गया नहीं घट गया, जेड इफेक्टिव क्या हो गया बच्चों, यहां घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, मतलब जेड इंक्रीज्ड जो है वो से सिग्मा इंक्रीज्ड बढ़ गया, बताता हूं क्यों बढ़ गया, अभी ये बात समझना, मुझे ये बात सच लगती है, अभी ये जेड इफेक्ट की स्क्रीनिंग इफेक्ट से कंपैरिजन मत करना, और ये ध्यान रखना इंक्रीज नहीं लिखा ना, तो बात यार गड़बड़ हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो अगर आपको सही लगता है तो ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर डी में एक इलेक्ट्रॉन, डी में दो, डी में तीन, डी में चार, डी में पांच, क्या बेटा ये डी है, डी है, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5, और जैसे छठा इलेक्ट्रॉन आया तो डी डी के आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, बोले भैया पास पास में कर दूरी रखो, जब डी डी के आपस में रिपेल करेंगे तो अब ये स्क्रीनिंग फैक्ट क्या होता है, ये रिपल्सन ही तो होता है, यही तो होता है स्क्रीनिंग फैक्ट। देखिए ये है, यहाँ पर ये है, दो इलेक्ट्रॉन है, आप मान के चलिए ठीक है इस तरीके से, ये है बेटा
ये पहली सेल के दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरी देखा ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर धक्का मार रहा है ना, तो आपस में जब आपस में डीडी के इलेक्ट्रॉन धक्का मारेंगे तो ये बाहर वाले पे, ये तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेगा, ये बाहर वाले को धक्का मार रहे हैं, तो जेड जो रिजल्टेंट आ गया ये धक्का मारने का माइनस कर दो इससे खींचने वाले में से, वो जेड इफेक्टिव आ गया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि जो धक्का मार रहे हैं बाहर को डीडी में, आपस में क्या है बच्चों डीडी रिपल्सन हो रहा है, और डीडी में रिपल्सन हो रहा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या है जोर पड़ता है, तो बाहर वाले को बाहर फेंकने की कोशिश की जाती है, बट साथ में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ जाता है, तो वो कहता है नहीं हम बाहर फेंकने नहीं देंगे, इसलिए क्या है यहां पर लगभग बराबर हो जाता है, बट यहां पर डी पुअर है पांच तक, क्योंकि कोई पेयरिंग नहीं हुई, सिंगल सिंगल है तो ज्यादा लड़ेंगे नहीं, तो यहां पर क्या हावी हो जाता है जेड इफेक्टिव, और यहां पर मतलब इस जेड इंक्रीज हावी हो जाता है और इस वाले पर सिग्मा पे, और यहां पर क्या है लगभग कि उनने धक्का मारना स्टार्ट किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आता है, दो आते हैं, तीन आते हैं डी में, ये डी में एक आ गया, सॉरी डी में पांच है, छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, इसकी एक की पेयरिंग हुई या दो की पेयरिंग हुई, ये तीन तक की पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग जब तीन की होगी तो ये आपस में डीडी रिपेल करते हैं, तो बाहर वाले पे रिपल्सन पड़ता है, और उसके साथ साथ में चार्ज भी बढ़ा, तो चार्ज उसे बैलेंस कर लेता है, तो क्या है बच्चों इंक्रीज जेड काउंटर बैलेंस दी इंक्रीज सिग्मा, और यहां पर क्या है जो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं भाई साहब, तो फिर क्या होता है विकट डीडी में रिपल्सन बढ़ जाता है, और जब आपस में रिपल्सन बढ़ेगा तो फिर आप मान के चलिए कि बहुत तेजी से क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर को सरका देता है, तो ठीक है बेटा, तो जो जेड है इंक्रीज उससे सिग्मा इंक्रीज बढ़ गया, इसलिए साइज बढ़ गया, समझ रहे बेटा, ये मुझे समझ में आया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है आप सोचना इसके बारे में। इसके बाद अब बात करते हैं आगे कि भैया नीचे, ये तो आगे एक पीरियड में बात करिए, अब ग्रुप में बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, सही है, बट यहां ड्रामा है भाई साहब, यहां बढ़ेगा बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, इसे बात को सही कर तो इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लो, मतलब एक डब्बे में बंद कर लो, ये बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ेगा, बट यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ पर लगभग बराबर हो जाएगा, बढ़ेगा लगभग बराबर, बढ़ेगा लगभग बराबर, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ लगभग बराबर, आप समझिए ये ऐसा ड्रामा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ बेटा, देखिए सा नीचे आने पर सेल बढ़ी, बट यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, क्या बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर यहाँ कह रहे सर इसमें क्यों नहीं, इसमें इसलिए नहीं हुआ कि बेटा स्कैंडियम के बाद ये एट्रियम है, एट्रियम के बाद लेंथेनम, तो लेंथेनम के बाद क्या होगा बच्चों 4f के इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से 4f के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 4f के इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो बेहद पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उनका, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या है जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर हावी हो जाता, खींच लेता है, और इसलिए इनका और उनका साइज बराबर हो जाता है बच्चों, क्या है तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, यहां एक बात लिख सकते हैं कि बच्चों सिमिलर, तो यहां ये कह सकते हैं बच्चों 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव नियरली सेम साइज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बच्चों पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बेटा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है इसी को क्या बोलते हैं लेंथेनाइड, क्या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनॉइड ऐड हुए इसमें लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट, तो क्या है इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कि ये 4f के इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसलिए क्या बच्चों कि जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं बच्चों, तो ये थी बात,
तो इसे बहुत ध्यान से देखना बेटा, सोचना इसके बारे में, ठीक है बेटा। तो ये मैंने बता दिया आपको इनका इनका साइज क्यों होता है। और हाँ एक चीज और है बच्चों कि इनका साइज जब सेम हो जाता है ना तो यार प्रॉपर्टी भी लगभग सेम हो जाती है बच्चों। क्या बच्चों? ड्यू टू सेम साइज, ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज भी उनकी क्या होती हैं बच्चों? सिमिलर होती हैं। बात समझ में आ गई?